एएनएन टॉप 10 न्यूज में आपका खैर मकदम है। वज़ीरे आज़म ने लगाया कांग्रेस पर बदकलामी का इल्जाम। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैंने इन कांग्रेस कायदीन की रिश्वतखोर हुकूमत को खत्म कर दिया, इसलिए ये मोहब्बत का नकाब पहनकर मुझे बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ तक के मेरी वादा को भी बुरा भला कहने से गुरेज नहीं कर रही। रमजान में मेवाजात की कीमतों पर कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं, गैर मामूली इजाफा, अफवाह परेशान। हैदराबाद की मेवाजात कीमतों में अंदरून दो यौम में 20-30% इजाफा दर्ज किया गया और इस मनमानी इजाफे पर कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ना होने के सबब बेतहाशा इजाफी कीमतों पर मेवाजात की खरीदी पर मजबूर है। माह रमजान के दौरान 8 मेवे के बाजार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में मुख्तलिफ अकसाम के मेवे फरोख्त किए जाते हैं। अवाम ने अपील की है कि थोक ताजरीन बाजार में मसनवी किल्लत पैदा ना करे और ना ही मनमानी कीमतों में इजाफा करे। दिल्ली के मुख्तलिफ जेलों में 100 से ज्यादा हिंदू कैदी भी माह रमजान के दौरान अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ रोजे रख रहे हैं। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने अपने एक बयान में कहा कि दिल्ली की 16 सेंट्रल जेलों में 16,665 के मुंजे मिला 2,658 कैदी रोजों का एहतमाम कर रहे हैं। रोजा रखने वाले कैदियों में 31 हिंदू खवातीन और 12 हिंदू नौमर लड़के लड़कियां शामिल हैं, जो रमजान के मुकद्दस महीने में रोजों का एहतमाम कर रहे हैं। इफ्तार में अक्सर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खजूर या पानी से रोजा खोला जाता है। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी, 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। लू लगने से एक मासूम बशमूल 5 अफराद मौत। खुश्क और गर्म हवाएं और झुलसा देने वाली 48 डिग्री दर्ज हरारत का इम्कान। रियासत तेलंगाना में इन दिनों गर्मी की लहर अपने उरुज पर है। शुमाली मगरबी रियासतों से आने वाली गर्म लू ने मकीनों को हलकान कर दिया। खुश्क और गर्म हवा का राज है। धूप के सबब कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। सदर पाकिस्तान की रिहायशगाह के बाहर धरने का घेराव। पाकिस्तान के शहर कराची में सदर मम्लिकत आरिफ अलवी की निजी रिहायशगाह के बाहर जारी शिया मिसिंग पर्सन्स के धरने का पुलिस ने घेराव कर लिया। तंजीम का कहना है कि हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों के साथ मुजाकिरात में नाकामी पर पुलिस एक्शन में आ गई है। ईरान के साथ कशीदगी, इराकी अमरीकी फौजियों के तहफ़ को यकीनी बनाए। अमरीकी वजीर खारिजा मैक जर्मनी का तय शुदा दौरा मंसूख करके इराक का दौरा किया, जहां उन्होंने इराकी रहनुमाओं से कहा कि वो इराक में अमरीकी फौजियों के तहफ़ को यकीनी बनाए। ये दौरा ऐसे वक्त हुआ जब अफ्रीका ने अपने बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन को खत्ते में भेजने का ऐलान किया। कश्मीर में अफगानी ताकत बन जाएगा महबूबा मुफ्ती, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रहनुमा ने कहा कि अगर इंडिया ने कश्मीर को खुसूसी अख्तियार देने वाली दफा 370 को खत्म कर दिया तो वो कश्मीर से अपना रिश्ता खो देंगे और इसकी हैसियत इसराइल की तरह एक काबिज मुल्क की होगी। ये बात साबिका वज़ीर आला ने कश्मीर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने 370 दफा को खत्म करने के लिए आवाज़ बुलंद की। जून की पहली तारीख को नए राशन कार्ड की इजराई। नए राशन कार्ड दरख्वास्त गुजार अपने मुकामी बी सेवा से इस्तेफादा हासिल कर अपने नए राशन कार्ड हासिल कर सकते हैं। याद रहे ये राशन कार्ड नए दरख्वास्त गुजारों के लिए एक बेहतरीन मौका है। एथिकेन फाउंडेशन की जानिब से गरीबों में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही। शाम 7 बजे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगातार 150 मुस्तहिक अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही। इस फाउंडेशन के जिम्मेदार मोहम्मद इरफान चेखापुर, जो इस फाउंडेशन के सदर है, उन्होंने बात करते हुए कहा कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने कहा कि इनका ये इकदाम 100 दिन मुकम्मल कर चुका है। उन्होंने अहले खैर हजरात से ताऊन की अपील की। तो ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।